वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। यूबा सिटी की फिजा च जिथे पिछले दो हफ्तों 5 लाख तो ज़्यादा सिख संगतां की पार्टिसिपेशन रही, अज 44वें गुरु ग्रंथ साहब गुरगद्दी दिवस को समर्पित परेड के लखां की गिणती दे विच सिख संगतां का इकट्ठ और वो इकट्ठ जिथे तुसीं फिजा दे विच खालिस्तान जिंदाबाद भी सुन रहे हो, बिगिनिंग तो एंड तक खालिस्तान के झंडे भी ने, गुरबाणी कीर्तन भी फिजा दे विच गूंज रहा है। साडे नौजवान बच्चे बच्चियां अपनी योग्यता अनुसार अपना कोई ना कोई खिता शोभा जिन्होंने चुनिया वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये उस आनंदपुर साहब की फिजा जिहड़ी कदे होले महल्ले दे मौके दे उत्ते हर सिख महसूस करता सी कि जिथे गुरु का खालसा है, दसवें पातशाह का यह फरमान है कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। तो अज असी यूबा सिटी पिछले कई दिनों तो इस महसूस कर रहे हैं। बेशक इस वेले कौम के अंदर एक बहुत उमा है, भाई हरदीप सिंह निजर की शहादत जिहड़ी कि 18 जून नूं हुंदी है, तो 18 सितंबर नूं कैनेडा दे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जदों के कैनेडियन पार्लीमेंट दे विच इंडियन स्टेट नूं एज ए रोग स्टेट दस के इस दा इंकशाफ करदे ने, इन्हें साढ़े 39 साल की खालिस्तान की मूवमेंट जून 84 तो बाद उस दे रंग नूं बदल दिता है। इस वेले भारत एक रोग स्टेट के तौर पर दुनिया भर च जाणिया जांदा है, दुनिया का सारा मीडिया बेशक वह वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, एल ए टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल लगातारता नाल उन्होंने खालिस्तान की मूवमेंट बारे लिखे है, इंडियन स्टेट के रोग स्टेट होण बारे लिखे है। और जिवें भारत की BJP हिंदूतवी सरकार एक्सपोज हुई है, अजे 3 दिन पहला BJP का राजस्थान का एक प्रोमीनेंट लीडर एक वड्डी सभा दे विच जिदे UP का गुंडा चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी भी मौजूद है, वह कहिंदा है भी राजस्थान दे विच सिख गुरद्वारे एक नासूर वांग ने, इन्हां नूं जड़ों पुटना बड़ा जरूरी है, इस तो बिना साडा हिंदुत्वा दा राह पदरा नहीं हो सकता। सो ये जहर जो उन्होंने उगलिया ये सारा सानू दस रहा है कि साडा दुश्मन मुगलों नालों वध जालम है और अंग्रेज़ों नालों वध शैतान है, इन्हां दोवां दा कंबीनेशन है। पर साडा गुरु रख है, गुरु का सहारा है और ये इकट्ठ ने दस दिता है, बेशक वो खालिस्तान रेफरेंडम दीयां वोटां होण, वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट दे रूप दे विच सिखां दा आपस च बह के भविख दी व्यूंतबंदी होए, ये सानू अज वड्डी क्लीयरली सोचण दी लोड़ है। माहौल ऐसा बन रहा है, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, मिडल ईस्ट दी फिजा दे विच असीं देख रहे हैं कि जुल्म दे बावजूद फलस्तीनी अपने हक्कां लई लड़ रहे ने, यूक्रेन दे बहादुर किवें उस वड्डी ताकत रूस के खिलाफ डटे ने, इवें ही साउथ एशिया दे विच सिख को इकाई बन के उभरे ने। बेशक असी 2% तो घटदा सानू ताना मारिया जांदा सी, पर 13 महीने चली किसान मूवमेंट ने उस सारे नू बदलिया। अज लोड़ है कि असी सिर जोड़ के बैठ के कौमी घर खालिस्तान दे लई व्योंतबद्धी करिए, एक दूसरे नू गल नाल लाइए, जथेबंदियां दा आपसी टकराव साडे राह दी रुकावट नहीं बनना चाहीदा। वो दिन दूर नहीं जदों दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान एक हकीकत होण जा रहा है। यूनाइटेड नेशनस दे बाहर झूलदे 193 झंडियां दे नाल खालिस्तान का झंडा भी बहुत जल्दी झूलन जा रहा है। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।